खरगोन के डीआरपी लाइन मैदान पर विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशिक्षण का आयोजन रखा गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तरुण सिंह बघेल और पुलिस कर्मी मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि विधानसभा मिशन 2023 की तैयारियां शासन प्रशासन स्तर पर जोरों पर चल रही है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के लिए पुलिस प्रशासन ने प्रशिक्षण का आयोजन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। केंद्रों के आसपास के लोगों की आपको जान पहचान होना चाहिए। मतदान केंद्र के जो वहाँ के जो नंबर है नंबर लेके रखिए, आपके सेक्टर पुलिस अधिकारी का नंबर रखिए, सेक्टर मजिस्ट्रेट का नंबर लेके रखिए, कंट्रोल रूम का नंबर लेके रखिए, वहाँ के टीआई का चौकी प्रभारी का नंबर लेके रखिए, आपको आवश्यकता के समय वो काम आएगा। इसके अलावा जो 100 मीटर का जो दायरा है, उसका निर्वाचन अभिकर्ता अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता आगे समझे, लेकिन एक समय नहीं, अभ्यर्थी मतलब तीनों रह सकते, एक इसमें एक ही आदमी जाएगा, चाहे कैंडिडेट जाए, चाहे निर्वाचन अभिकर्ता जाए और चाहे मतदान अभिकर्ता जाए, लेकिन मतदान केंद्र के अंदर एक ही व्यक्ति रहेगा। क्लियर है? आप लोगों का कभी कभी होता है कि वो मतदान अभिकर्ता बैठा रहता है और कैंडिडेट आता है, वो भी चला जाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसके लिए पुलिस विभाग श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है। अभी तक तीसरी फेज की ट्रेनिंग है। पहला फेज का ट्रेनिंग एसपी साहब स्वयं भोपाल में लिए थे, दूसरी फेज की ट्रेनिंग हम लोग थाना प्रभारी और एसडीओपी इंदौर में लिए थे, और ये तीसरे फेज की ट्रेनिंग है जो नीचे के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, और इसमें निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन का अच्छा से पालन हो, इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। कल बड़वाह में और महेश्वर में थी, आज यहाँ है खरगोन अनुभाग और बिगलगांव अनुभाग का है, और जो बचेंगे उसका नेक्स्ट समय में ट्रेनिंग दी जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।